दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने मोबाइल को चलाते वक्त आपके सामने कोई भी ऐप आप ओपन करते हो तो आपके सामने ऐड आ जाता है, तो आप मोबाइल पे ऐड आने वाले सभी ऐड को आप एक साथ कैसे बंद कर सकते हो, यानी आप मोबाइल चला रहे हो तो आपके सामने कोई भी ऐड शो नहीं हो, तो ये कैसे कर सकते हो आज इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एहसान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान अली एडिट्स। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी जो मोबाइल की सेटिंग है यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक एड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन अगर ऑन है तो इसको सबसे पहले तो आपको ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एड बाई गूगल, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आते ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड सेटिंग, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा तो और वेब है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सर्च करते हो तो आपके सामने ऐड आ रहा है तो आप उसे बंद करना चाहते हो तो आपको ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसे कर देना है ऑफ़, ठीक है। मैंने अभी इसको ऑफ करके यहाँ पर गो इट पर क्लिक कर दिया है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब, ठीक है। तो YouTube तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो वेब, वेब का मतलब यानी वेबसाइट। आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें ऐड आ जाता है, तो उन ऐड को आप रिमूव कैसे कर सकते हो, यानी आप उन ऐड को बंद कैसे कर सकते हो, तो इसको भी आपको ऑफ कर देना है। तो मैंने यहाँ पर यह ऑफ कर दिया, ठीक है। ऑफ करने के बाद अब अगर आपके ऐड फिर भी ऐड आ रहा है तो आपको आ जाना है होम पेज पर। होम पेज में आने के बाद अब आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। अगर आप जब भी क्रोम ब्राउज़र पर कुछ भी सर्च करते हो तो उसमें आपको ऐड आता है, तो इसके लिए आपको ऊपर देख लीजिए तीन डॉट है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको एक साइड सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाए, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब आपको नीचे आना है और नीचे आते ही आपको ऐड नाम का एक फीचर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अगर यह आपके ऑन है तो इसको कर देना है यहाँ से आपको ऑफ। जैसे आप इसको ऑफ करोगे तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र पर जो भी आप सर्च करोगे तो उसमें आपको ऐड शो नहीं होंगे। तो इस तरह से आप मोबाइल पर आने वाली सभी एड्स को बंद कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।